हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिया ललवानी यूट्यूब चैनल। तो भाई आप लोगों की बहन एक दोबारा से एक न्यू प्रैंक के साथ हाजिर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा आज हम लोग अच्छा प्रैंक करने वाले हैं, लेकिन ये आप लोग बोलते होंगे कि आगे पीछे आवाज़ क्यों हो गया। तो भाई मेरा कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, मैंने बार बार व्लॉग अपलोड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे 2-3 दिन व्लॉग नहीं आए थे। कॉपीराइट आ रहा था बार बार, सो इसकी वजह से मैं अपना जो है वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अपना व्लॉग आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। ये रही राखी, ये मुझे जो है आज हम लोग करने वाला है हॉरर प्रैंक। तो राखी जो है मुझे रेडी करेगी, सारा मेकअप वगैरह हम लोग लेकर आए हैं। तो कुछ कुछ जो है मेकअप जो है चादर वगैरह कुछ कुछ रहता है सामान, वो हम ऊपर जाएंगे लेने के लिए। आज हम करने वाले हैं राधिका के साथ प्रैंक। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि वो डर वर ना जाए, सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं करें नहीं करें। हमने बोला कि थोड़ी सी रिस्क लेंगे, लेकिन ये प्रैंक जो है मैं ज़रूर 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 करेंगी। और ये अपलोड भी नहीं हो रहा था, कॉपीराइट हो रहा था, तो मुझे जो है टेंशन हो रही थी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अपना जो है पीछे से आवाज़ लगाकर अपलोड कर देंगे। सो ये जो है आर्टिस्ट मुझे अभी तैयार करें। तो अभी जो है हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे, जो जो हमारा सामान रहता है वो निकालने। सो भाई हम लोग जो है ऊपर आ चुके थे, और ऊपर जो है मतलब सब लोग सोए पड़े थे, चुप चुप चाप से गए ऊपर और सामान निकालने की कोशिश की। जो है हम लोग कामयाब हो गए, मतलब कोई भी नहीं उठा हमारे आवाज़ पर। थोड़ा सा आवाज़ हुआ, कोई भी नहीं उठा। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों की सपोर्ट तो ज़रूर बनती है। सो अगर आप लोगों ने लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जाकर करें। ये मैं व्लॉग जो है रात को 4 बजे व्लॉग जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मैं सोच रही थी मैं कहाँ पर रखूँ कैमरा, तो यहाँ पर सोचा कि मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि प्रैंक कर रही हूँ तो किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि मैं हमारी जो है वीडियो रिकॉर्ड करो। सो सब लोग जो है सोए पड़े हुए थे, कुछ कुछ जो है जाग रहे थे, अपना व्लॉग जो है स्टार्ट भी करते हैं और अपना मेकअप भी करवाते हैं। भाई राखी ने मुझे फुल रेडी कर लिया है, मैंने खुद को बिल्कुल भी नहीं देखा था। मैंने सोचा कि मैं अभी खुद को देखने जाऊं, अपना रिएक्शन भी लूँगी कि मतलब मैं लग कैसे रही हूँ, मैंने खुद को भी नहीं देखा। और एक तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है अपनी ऐसे शक्ल बनाई है, प्रैंक कर रही हूँ फर्स्ट टाइम ऐसा, बिल्कुल मतलब डराकू। मुझे खुद मतलब देख कर मैं खुद डर गई, और मेरी पैंट भी सारी गंदी हो गई थी, मतलब वो जो आटा वगैरह लगाया उसमें। सो जाकर जो है अपना फेस दिखती हूँ, सामने मिरर भी जो है लगा हुआ है, तो चाहती हूँ दिखती हूँ। यार क्या बात है, यहाँ पर मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब क्या मतलब सोच रही थी मुझे हो क्या गया, मैं क्या से क्या बन गई, एकदम बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं सबको डराने के लिए, जो जाग रहे हैं उनको डराने के लिए। सो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। सो ये बोल रही थी पहले मैं चलूँ फिर बाद में तुम चलो, क्योंकि डर में ना जाए से लोग। तो सब लोग जो डर गए, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। तो सब लोग पूछ रहे थे कि मतलब क्या लगाया फेस पर, ये मैंने बोला आटा लगाया है, मतलब लिपस्टिक जो है लगाई है। बोल रही थी ब्लैक शाल पहनो, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब और डरेगी, तो वो हमारे पास नहीं थी। मैंने कहा यही बस सही है। तो यहाँ पर जो है मुझे आटा वगैरह मेरा उतर गया था, तो मुझे दोबारा लगा रहे थे, मतलब जो राखी है, राखी की सिस्टर है, उसको डरा रहे थे, वही मुझे रेडी कर रही थी। यार क्या बात है, मतलब बहन को डराने के लिए इतना कुछ कर रही थी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब मैं करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं यूट्यूब में आगे जाऊँ। तो सब लोग मेरी जो है हेल्प कर रहे थे, मुझे जो है तैयार कर रहे थे, तो लोग जो है एक्साइटेड थे, मतलब देखने के लिए, मतलब क्या उसका रिएक्शन होगा राधिका का। मतलब मैंने कहा हॉरर आवाज़ चलाना, मैं खुद डराऊंगी सबको, पर किसी को हॉरर साउंड मिल ही नहीं रहा था। बार बार सब लोग ढूंढ रहे थे, मेरा आटा बार बार उतर रहा था, मैं बार बार लगा रही थी, उतर रहा था लगा रही थी। सो यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करा है, बस आप लोगों की मेहनत होगी तो आप लोगों की बहन आगे ज़रूर जाएगी, आप लोगों की बहन का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, आप लोग अगर साथ देंगी तो। फिर मेरा यहाँ पर वाइपर ही गुम,
आपसे पूछ रही थी कि मेरा वाइपर कहाँ गया, मैं कहाँ गया, तो मुझे जो है अपनी बहन ने बताया कि तुम्हारा वाइपर यहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए कितनी साजिशें चल रही हैं उसको तंग करने के लिए, उसको डराने के लिए। सो यहाँ पर जो है साउंड वगैरह चला लिया है। अभी ये सोई पड़ी थी बिल्कुल, और राखी वालों ने ये सारा रिकॉर्ड किया था, मतलब सोई पड़ी है। अभी मैं बाहर से अंदर आऊँगी। अचानक से बिल्कुल शॉक हो गई थी, बोला कि ये कौन है, मैंने कहा मैं जिया हूँ। तो बिल्कुल जो है बोला कि ये मुझसे नींद से उठाया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने कहा मोबाइल भी नीचे फेंक दी है, मैं भी गुस्से में हो गई, मैंने कहा कहाँ जा रही हूँ, बोल रही थी अब मुझसे बात ना करना। फिर ये नीचे चली गई, मैंने कहा चलो छोड़ो अभी, मैंने प्रैंक किया सिर्फ। फिर जो है ये नीचे भाग गई, मैं भी इसके पीछे भाग भाग गई, बिल्कुल नाराज़ हो गई थी। तो बस गई नीचे, और ये जो है मैडम साहिबा को मैं मनाने गई, सो इतना भाग भाग कर गई, मुझे डर भी लग रहा था कि बस ये मान जाए। तो गई इसको मानने के लिए, ये मान तो गई, लेकिन ये बोल रही थी मैं तुमसे बात नहीं करूँगी अगर मुझसे दोबारा किया तो। मैंने कहा हाँ ठीक है नहीं करूँगी, तुम मान तो जाओ। मान ही रही नहीं रही थी, इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर ये बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसको जो है मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी। तो इसको मना कर मैंने बोला कि मैं आप लोगों से देन जो है मिलती हूँ, सो इसको मनाती हूँ। तो फिर इसको फाइनली मैंने ऊपर लेकर आई, इसको पानी वगैरह पिलाया। तो ये जो है मैडम साहबा फिर जो है राजी हुई, बोला ठीक है अगर तुमने मुझे दोबारा किया फिर मैं बात नहीं करूँगी। फिर ये दोबारा यही बोलने गई, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ फिर से वो करूँगी, ये बोल रही थी। अभी ये हरकत बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करनी किसी के साथ भी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है। रात को 4 बजे किसी के साथ ये करना मतलब गलत है। फिर भी आप लोगों की वजह से मैं हर चीज़ मैं करूँगी, बस आप लोगों की सपोर्ट होगी तो। सो ये बोल रही थी, तो ठीक है मैं नहीं करूँगी, बोला कि करके दिखाना हूँ पर मैं तुम्हें बताऊँगी। मैंने कहा चलो बस ठीक है, अभी ये जो है मेकअप पर मैंने मेकअप तो नहीं किया, लेकिन आटा जो लगाया है वो उतारूँगी, वो उतारते हैं देखते हैं ये उतरता भी है या नहीं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बस उतर जाए, सो उतारती हूँ। फेस वॉश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मतलब मैं बोल रही थी कि बस ये फेस वॉश करूं और सारा उतर जाए, मतलब डर भी था कि नहीं उतरेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा लिपस्टिक लगाई थी। बस कोशिश कर कर ये मैंने सारा उतार लिया। मेरी सारी शेड भी, राधिका बोल रही थी ये सारी शेड भी तुम वो कर रही हो, ख़राब कर रही हो, सारी गिली कर रही थी। मैंने कहा छोड़ो ये बस उतर जाए, देन मैं रिलैक्स होंगी, ऐसे मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आएगी अगर मुझे कुछ होता है ना, मतलब कुछ मेरे फेस पर। वो बोल रही थी जल्दी करो, मैंने कहा इतना जो मुझे ये आटा वगैरह थप्पा है मैं वो धोता रहूँ, ये बोल रही थी नहीं बस जल्दी करो। मैंने कहा हाँ जल्दी करती हूँ। फिर ये मेरा उतर ही नहीं रहा था, फिर मैं जो है नीचे गई फेस वॉश करने के लिए। यहाँ पर मेरे हैंड भी बिल्कुल रेड हो गए थे, खुद को इतना मेट कर। सो अभी भी आप लोग मेरी हालत देखें। फिर मैंने बोला कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल आप लोग जो है इस व्लॉग पर 10K तो ज़रूर होने चाहिए। तो राधिका बेचारी यहाँ पर जो है साफ़ कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा किला कर गई थी, मैं नीचे थी और ये नीचे आई, मैं इसको छोड़कर चली गई थी। तो ये मुझे बोल रही थी कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, नीचे आ गई छोड़कर। तो मैंने जो है बोला कि ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा था, फेस वॉश भी सारा ख़त्म हो गया था, तो नीचे आई फेस वॉश किया सही से साफ़ किया, देन रिलैक्स हुई मैं। मैंने कहा अभी ठीक है, फिर भी आई मतलब थोड़े से थे निशान, फिर भी मैंने बोला कि चलो बस ठीक है अभी। मैं खुश हो रही थी, मैं राधिका बोल रही थी देखो मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। सो साफ तो खैर हो गया था, मुझे इतने पिंपल्स और ऊपर इतने जो है आटा और लिपस्टिक, मतलब मैं बोल रही थी क्या और पिंपल निकलेंगे, और पिंपल मुझे और निकले भी हैं। सो बस आप लोगों की वजह से, बोल तो रही आप लोगों की वजह से हर एक चीज़ करेगी पहना की। फिर मैडम साहिबा बोल रही थी इसने मेरी सारी नींद हराम कर दी। तो भाई यहाँ पर मैंने अपना फेस वॉश फुल मतलब कर दिया और हेयर वगैरह बंद किए, तो होश आया, आईज में सारा आटा वगैरह चला गया था, मतलब अभी मैं जो है लेक्स हुई जिसको डराया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो वो बोल रही थी यहाँ पर भी जो है सारा तुमने जो है
ख़राब कर दिया है। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, तुमको डराया बस वही मुझे खुशी हुई मैंने तुमको डराया। सो यहाँ पर मैं टाइम दिखा रही थी कि आप लोग टाइम देख सकते हैं, मैं जो हूँ इस टाइम पर मैंने आप लोगों की वजह से ब्लॉग बनाया है वो भी हुरर प्रैंक। जाहिर सी बात है इस टाइम ही हो सकता था हुरर प्रैंक सब, मतलब राधिका इस टाइम ही मुझे था कि सोएगी फिर मैं डराऊंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मतलब मज़ा आया इस वक्त डराने में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग तो पसंद आएगा, मैंने इतनी मेहनत, वही मैं एंड करना ब्लॉग भूल गई थी जब अपलोड स्टार्ट करने का टाइम आया अभी सुबह को, तो मुझे अभी याद आया कि मुझे ब्लॉग भी एंड करना है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और मुझे सीरियसली इस ब्लॉग में मुझे खुद मज़ा आया बनाने में, तब इतना तैयार होकर सबको डराने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। सो मैंने आप लोगों की वजह से इतना कुछ फेस पर किया, इतना पाउडर लगाया, इतना ज़्यादा मेरे साथ अशर हो गया है, इतने पिंपल्स निकले हैं, इतनी लिपस्टिक लगाई। सो आप लोगों की सपोर्ट बनती है कि आप लोग भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब या मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें। तो मुझे जो है आप लोग आइडियाज़ ज़रूर दिया करें कि ये ब्लॉग्स आप बनाइए या प्रिंक्स करें, तो आप लोगों के आइडियाज़ होंगे तो मुझे भी, मैं भी बोलूँगी कि हाँ मैं ये बनाऊँ, थोड़ा सा मेरा दिमाग और चलेगा कि मैं ये बनाऊँ। सो अभी खैर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जिसने मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिसने अभी तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो जाकर करें, एंड जिसने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो जाकर करें, क्योंकि मेरे हर जो ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और आइडिया मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कौन से बनाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।